इप चैप्टर 2 का पहला ट्रेलर अभी अभी ड्रॉप हुआ है, जिसमें हमें पेनवाइज फिर से लूजर क्लब को हंट करता दिखा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते और ईस्टर एग्स को समझते। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते। हेलो, इट के बाद आपको लगा होगा कि डेरी की सड़कें अब सेफ है, लेकिन इस ट्रेलर को देख आप वो सब भूल जाइए। इट चैप्टर 2 की स्टोरी पहले चैप्टर के 27 साल बाद होने वाली है, जहां लूजर क्लब्स के मेंबर पेनीवाइज को आखिरी बार पूरी तरह से खत्म करते हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। ट्रेलर शुरू होता है बेवरली मार्श के साथ, जो अब बड़ी हो चुकी है। बेवरली ट्रेलर में हमें उसके पुराने घर को विजिट करती दिखी, जहां हमें एक बूढ़ी औरत रहती दिखी। इस सीन में एक छोटा सा डिटेल है जो शायद आपने मिस कर दिया होगा। बेवरली जब अपने पुराने घर जाती है और दरवाजे को नॉक करती है, तब दरवाजे पर हमें मार्श लिखा दिखा। यहीं से समझ में आ रहा है कि मिसेस कर्श के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये सीन नॉवेल से सीधा उठाया हुआ है। नॉवेल में भी जब बेवरली अपने जूने घर पर जाती है, तब वहाँ भी दरवाजे पर मार्श लिखा होता है, लेकिन फिर अंदर जाने के बाद बेवरली नाम को फिर से चेक करती है और फिर से देखने के बाद उसे वहाँ कर्श लिखा दिखता है। इस अपार्टमेंट में बेवरली को मिसेस कर्श ने ही बुलाया है। पहली फिल्म में बेन ने बेवरली के लिए पोस्टकार्ड पर एक पोएम लिखी थी, और यहाँ बेवरली उसी पोएम को शायद पढ़ रही हो। इस पोस्टकार्ड को देख बेवरली एक तरह से अपने बचपन की यादों को ताजा कर रही है। बेवरली ने पोस्टकार्ड अपने फादर से छुपाकर एक खुफिया जगह पर रखा था, और शायद अपने जूने घर के विजिट के वक्त बेवरली सबसे पहले इस पोस्टकार्ड को ही ढूंढती हमें दिखेंगी। अगर आपने यहाँ बेवरली के हाथों को ध्यान से देखा होगा, तो आपको उसके हाथों पर निशान दिखे होंगे। इससे पता लग रहा है कि मूवी बुक के प्लॉट को पूरी तरह से फॉलो करने वाली है। बुक में बेवरली का पति टॉम उस पर बहुत अत्याचार करता है, जो उसे डेयरी जाने से भी रोकता है, लेकिन फिर बेवरली के पीछे पीछे वो भी डेयरी आ जाता है, जहाँ टॉम भी पेनीवाइज का शिकार बन जाता है। बेवरली जब मिसेस कर्श के दीवार पर उसकी फैमिली फोटो देख रही होती है, तब मिसेस कर्श उसे बताती है कि उसके पिता सिर्फ $14 लेकर इस कंट्री में आए थे, और उन्होंने यहाँ आते ही सर्कस ज्वाइन कर ली थी। इसी कन्वर्सेशन के बाद बेवरली की नजर एक फोटो पर जाती है, जिस फोटो में उसे पेनीवाइज बिना मेकअप के दिखता है, और यही उसे समझ में आ जाता है कि वो पेनीवाइज के जाल में फंस चुकी है। अब इस सीन को देख लग रहा है कि ये पेनीवाइज की बैक स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल में ये एक बहुत ही अच्छी तरह से बुना हुआ झूठ है। अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा, तो आपको इस ट्रेलर में सिर्फ 6 अडल्ट लूजर क्लब के मेंबर दिखे होंगे, लेकिन पहली फिल्म में लूजर क्लब्स के टोटल 7 मेंबर थे। यहाँ सिर्फ हमें स्टेनली ओरिस ही नहीं दिखा, जो पेनीवाइज से डरकर डेरी वापस ही नहीं आना चाहता। बुक्स में जब सारे लूजर क्लब्स के मेंबर को पेनीवाइज डेरी फिर से वापस बुलाता है, तब स्टेनली सुसाइड कर लेता है। फिल्म में भी शायद हमें यही देखने को मिल सकता है। ट्रेलर में हमें अडल्ट लूजर क्लब के मेंबर्स अपने बचपन की यादों को याद करते दिखे। बुक्स में सब पेनीवाइज के साथ के अपनी पुरानी मेमोरीज को भूल जाते, और फिर जब सब पेनीवाइज से फिर से लड़ने वाले होते, उन्हें अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। यही हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला, और शायद फिल्म में भी हमें यही देखने को मिलेगा। जॉर्जी पहली फिल्म में पेनीवाइज का पहला शिकार था, और इसके बाद बिल अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए निकलता है। इसी जर्नी के बाद लूजर क्लब्स की फाइट होती है पेनीवाइज के साथ, जहां लूजर क्लब पेनीवाइज को हराने में कामयाब हो जाते, लेकिन बिल अभी भी जॉर्जी के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। इसी बात का फायदा पेनीवाइज ट्रेलर में हमें लेता देखा। जॉर्जी के मदद से पेनीवाइज बिल को फिर से हंट करने की कोशिश हमें फिल्म में करता दिखेगा। इट में बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जो शायद अपने फर्स्ट व्यूइंग में मिस कर दिए होंगे। ऐसी एक मोमेंट के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहली फिल्म में बेन डेरी की हिस्ट्री जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है, वही हमें बैकग्राउंड में एक बूढ़ी औरत बेन की तरफ घूरती दिखती है। ट्रेलर का ये सीन हमें उसी सीन की याद दिलाता है। यहाँ रिची पेनीवाइज की तरफ देख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बैकग्राउंड में सारे लोगों के मुंह खुले दिखेंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग एक जगह पर पॉज हो गए हो। अगर आपके सामने कोई बलून से उड़ता आएगा, तो आप भी शॉक होकर अपने पीछे देखना भूल जाओगे। यही यहाँ रिची के साथ हमें होता दिखा। ये सीन सीधे बुक से उठाया हुआ है। बुक में जब रिची अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है, तभी पेनीवाइज बलून के मदद से उड़कर उसे हंट करता है। यही उसे याद आता है कि बचपन में किसी तरह से पॉल बनियान के स्टैचू ने उस पर हमला किया था, जो उसके लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट था। इसी ट्रेलर का सबसे डरावना सीन है, जहां हमें कोई अपने चेहरे पर के क्लाउन के मेकअप को बहुत ही बुरी तरह से हटाता दिखा। देखकर लग रहा है कि ये पेनीवाइज ही है, क्योंकि यहाँ इस कैरेक्टर के बाल मिसेज कर्स के फोटो वाले पेनीवाइज के साथ काफी मेल खा रहे है। ये पेनीवाइज के पास्ट का सीन भी हो सकता है, जहां हमें पेनीवाइज की बैक स्टोरी पता लगेगी। यहां हम पेनीवाइज को दीवार पर चलता देख सकते हैं, या हम माइक को भी देख सकते हैं। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे, तो आपको जला हुआ घर दिख रहा होगा। माइक के पेरेंट घर में जलकर ही मरे थे,
इसलिए पेनीवाइज माइक को इसी तरह से यहाँ डरा रहा है। पहली फिल्म में भी पेनीवाइज ने इसी तरह से माइक को ट्रैप किया था और डराया था। पहली फिल्म में लूजर क्लब्स के सारे बच्चों ने मिलकर पेनीवाइज को गटर्स में जाकर हराया था और लगता है इस फिल्म में भी हमें अडल्ट लूजर क्लब के मेंबर्स फिर से गटर में जाकर पेनीवाइज से लड़ते दिखेंगे। लेकिन यहाँ इस बार गटर में हमें कुछ काले कलर के स्पाइक्स दिखे जो पहले फिल्म में नहीं थे। इससे पता लग रहा है कि पेनीवाइज भी 27 साल तक सिर्फ बैठा हुआ नहीं था बल्कि वो भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। एडी अपने बचपन में बहुत ही डरपोक था लेकिन फिर पहली फिल्म के आखिर में एडी हिम्मत जुटाकर पेनीवाइज से लड़ता है और इस फिल्म में भी शायद एडी अपनी पूरी ताकत से पेनीवाइज के साथ हमें लड़ता दिखेगा। पहली फिल्म में हमने बेवरली का ब्लड बात वाला सीन देखा था, बिचारी उस घटना की वजह से बहुत डर गई थी। लेकिन ट्रेलर में हमें ये सीन एक और बार दिखा जिससे पता लग रहा है कि बेवरली को उस बुरे एक्सपीरियंस से फिर से गुजरना होगा। ट्रेलर में हमें मिसिंग बच्चों के पोस्टर दिखे जिससे पता लग रहा है कि पेनीवाइज ने फिर से बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है, इसीलिए शायद लूजर क्लब के मेंबर हमें पेनीवाइज को फिर से हंट करते दिखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर मैंने इस ब्रेकडाउन में कुछ मिस कर दिया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।